बहुत आउटस्टैंडिंग है ना, प्रॉपर जो घर की बिरयानी बनती है ना, मसालेदार चटपटी, जिसे कराची वाले बहुत पसंद करते हैं। और यही बिरयानी की जीत होती है कि उसकी खुशबू, उसका जायका आपको हर निवाले के बाद अपनी तरफ खींचे, पेट भर जाए, नीयत ना भरे। तो भाई देखे, ये देखें, ये भाई साहब माशाल्लाह क्या खुशबू आई है, ओए होए क्या लड़के की स्पीड है भाई। ये भाई माल निकल रहा है फुल बसाई, स्पाइसी चटपटी जैसे पसंद करते हैं कराची वाले। वाह भाई वाह, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो भाई नाम बहुत ही ज़बरदस्त, बाऊजी। बाऊजी हमारे यहाँ बड़ा ही तहजीब से, जिन्हें हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, जिन्हें हमें इज़्ज़त देते हैं, उनको पुकारते हैं। तो नाम बड़ा मुनफरिद है, तो बिरयानी भी वैसे ही होगी, क्योंकि हम खाने आए हैं भाई बाऊजी बिरयानी। और ये चंद दिन हुए, मगर यहाँ पर जो लोगों की रिकमेंडेशन आ रही थी कि भाई नॉर्थ नाज़ाबाद में बेहतरीन किस्म की बिरयानी आ गई है, तो हम ज़रा खा कर देखेंगे। और ये देखें माशाल्लाह, एक के बाद एक पतीला आता भी रहता है। देखिए पतीला दिखाया, मैं पतीला देखें, एक के बाद एक पतीला आता रहता है और ये पतीले आ रहे हैं और बन बन के जाते रहते हैं। और माशाल्लाह से तकरीबन ये बहुत अच्छी तरीके से माशाल्लाह यहाँ पर लोग आ भी रहे, खा भी रहे हैं और लोगों से बातचीत भी करेंगे और आपको बताएंगे कि जायका कैसा है। तो इसकी लोकेशन समझा दूँ, इसकी पिन लोकेशन गूगल लोकेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, मगर फिर भी सखी हसन, सरीना मार्केट और जो आपका है हारून सेंटर, उसके दरमियान में है अदनान सेंटर, जहाँ पर आपको ज़बरदस्त किस्म के बाऊजी मूछों का ताव देते हुए नज़र आएंगे। तो आप यहाँ पर आके बिरयानी खाएं, हम ज़रा बिरयानी खाते हैं और आपको अपना रिव्यू देते हैं कि कैसी आना चाहिए या नहीं। आ जाए। तो भाई ये है चिकन, और हो भाई ये चिकन माशाल्लाह, तो ये चिकन है, उसके बराबर वाली बीफ है। अच्छा भाई ये पतीला बीफ वाला है और ये चिकन वाला है। ये देखें, ये माशाल्लाह देखिए फैमिलीज वगैरह बैठी हुई और माशाल्लाह से सब लेके खा रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह से। ये देखें अमूमन अक्सर बेशतर ज़्यादातर लड़के नज़र आते हैं, लेकिन इनकी बिरयानी में फैमिलीज नज़र आ रही है ज़्यादातर खाने वाली, तो उसका मतलब है जायका अच्छा होगा, बेहतरीन। वालेकुम सलाम, तो कौन सी मंगवाई है आपने? ये बीफ है सर। बीफ है, तो कैसी लगी? नहीं खुली ज़रा बाऊजी, नाम तो बड़ा अच्छा है लेकिन जायका भी अच्छा है? नहीं बिरयानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, डिफरेंट टेस्ट है थोड़ा सा, अच्छा लेकिन बहुत अच्छी, मतलब जो ऑथेंटिक बिरयानी जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आम मिलती है ना कराची के अंदर, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जितने पैसे खर्च करे उतने वसूल हो रहे हैं, तो ज्यादा ही हो गए भाई। दोस्त कौन सी मंगवाई है आपने? बॉस मुझे बीफ पसंद है, मैंने बीफ मंगवाई है। बीफ, अच्छा बिरयानी में तो होती भी बीफ, बीफ की पसंद होती है। तो कैसी लगी है ये बिरयानी? बहुत अच्छी है, बाकी टेस्ट जो है नॉर्थ में सबसे अच्छी मुझे लगी है बिरयानी, बाऊजी लगी है। नॉर्थ में ये बाऊजी सबसे अच्छी बेस्ट है, ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई करी है लेकिन मुझे बहुत बेस्ट लगी है, मैं नेक्स्ट टाइम भी यहीं आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो ये बताएं कि मुझे तो पता है लेकिन फिर भी लोगों को बताएं कि आप लोग नाज़ाबाद में नहीं लेकिन वैसे बिरयानी के काम में बहुत पुराने हैं। असल में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कजन्स हैं, उनका सारा बिरयानी का काम असल में सिर्फ कोरंगी के अंदर है, तो 15-16 माशाल्लाह उनकी ब्रांचें हैं, तो हमारा इरादा बना कि हम यहाँ नाज़माबाद में भी इसको लेकर आएँ, तो हम वो टेस्ट को है जो नाज़माबाद में भी लेके आएँ। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन जायका मिलेगा, इसमें आपको बीफ बिरयानी भी मिलेगी, इसमें आपको चिकन बिरयानी भी मिलेगी। देखिए देखिए, ये फुल मसाले वाली बिरयानी होगी, अब आप अभी हम आपको टेस्ट भी करवाएंगे। इसमें ये हम सिंगल 220 चला रहे हैं और 250 चला रहे हैं और बीफ 300 रुपये चला रहे हैं। बीफ बोनलेस होगा, बिल्कुल बोनलेस होगा, बिल्कुल एक नंबर बछिया का गोश्त होगा। तो भाई हमारे साथ रिजवान भाई, यूट्यूबर हमारे बड़े मशहूर, यहीं पर रिहायश है सखी हसन पे। तो रिजवान भाई आपने देखी है बाऊजी बिरयानी? आज ही देखी है जी, आज ही देखी है, देख लिया आपने? जी 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 जी, देखिए हम वहाँ मलीर से आगे आपको दिखा दिया। जी 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 जी, मैंने अभी देखी तो मैंने कहा चलें चल के ट्राई करते हैं कैसी है। चिकन बिरयानी का ऑर्डर दे दिया, फुल स्पाइसी, फुल मसालेदार, और ये फटाफट आगे खत्म ही हो गया एक पतीला माशाल्लाह। देखिए भाई दूसरा पतीला आने वाला है, बस ते वाली बिरयानी है ना ये? हाँ भाई फुल ते वाली बिरयानी, मसालेदार, ये हो गई हमारी। अब लेंगे जी बीफ बिरयानी, बीफ लगाएं, बीफ माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, थोड़ा ना हरा मसाला ज़्यादा डाल, हरा मसाला ज़्यादा खाता है भाई आपका ना। वाह जी वाह, तो भाई हमारी बिरयानी आ गई है और ये देखें माशाल्लाह हमारे साथ रिजवान भी, आपने अपना फीडबैक देना, रिव्यू देना, ठीक है तैयार है? तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और
रजा भाई हमारे साथ मौजूद है। रजा भाई पहले क्या चिकन खाएंगे या बीफ खाएंगे पहले बताएं? पहले बीफ खा लेता हूं क्योंकि बीफ अगर बीफ खाएंगे ना तो चिकन में मजा नहीं आएगा। बीफ बीफ होता है तो पहले चिकन खाते हैं। ठीक है, चिकन का सजेशन है भाई की। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो जरा शुरुआत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल इंग्लिश मजेदार। अच्छा एक तो खुशबू अरोमा बहुत अच्छा है ना बिरयानी को, देखने में खूबसूरत है, चावल खिला खिला सा है, और ये बासमती चावल है, ये सेला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं बात। ये स्पाइसेस के अंदर बस ये तो आपको कलर तब्दील हो गया यार, बहुत आउटस्टैंडिंग है ना। प्रॉपर जो घर की बिरयानी बनती है ना, मसालेदार चटपटी, जैसे कराची वाले बहुत पसंद करते हैं उस स्टाइल की है। यानी आपको शादियों में या घरों में जो बनती है ना। जी जी। ओहो तो चिकन के साथ थोड़ा चख लें थोड़ा सा। चिकन जी बिल्कुल टेंडर है, गली भी है, बिल्कुल रोटी गली भी है, बहुत अच्छी मालूम दे रही है। आलू भी गला हुआ भाई, दिखाएं आलू, दिखाएं आलू गला हुआ दिखाएं। ये देखें भैया करें भाई, ये देखें टेंडर है। आप आलू तौर पे आलू जो है कच्चे रह जाते हैं, वो पकी भी सही नहीं होती, जल्दी में पकी होती। अच्छा। ये प्रॉपर वक्त लेकर और बिरयानी का जायका चिकन में नहीं आ पाता। ठीक है। लेकिन इनकी बिरयानी चिकन में अच्छी है तो सोचे बीफ में कितना मजा करेगी। सही कह रहे हैं, क्योंकि बीफ और हाँ बहुत ज्यादा होता है मजा आता है बीफ बिरयानी में। बाकी चावलों का जायका है, आप इसको आपको जरूरत नहीं है बोटी हो या ना हो, आप ऐसी खा लोगे ना, ये बड़ी जीत है बिरयानी की। तो भाई अब बारी आ गई दादा भाई बीफ की। वैसे मैं भी मीट लवर हूँ, गोश्त कोफ्ते वाला ना, तो भाई ये देखें बोनलेस गोश्त है माशाल्लाह। ओए होए 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 होए, ये देखें भाई, ओए होए फुल जूसी हो रहा है यार टेंडर, वाह। अच्छा नहीं मैं आपके लिए मुड़िया बड़ी है, ये मैंने कहा वो साफ बोली ना, मेरे कहा पहले नहीं मुड़िया खाई साफ है, साफ है यार गोश्त में प्रॉपर जायका है वह यार। पूरे जो गोश्त की बोटी खाई है ना, एक तो प्रॉपर तरीके से गली हुई थी और जायका महसूस हो रहा है, ये नहीं लग रहा ना कि आपको उबला हुआ गोश्त है। अक्सर बिरयानी में शिकायत होती है लोगों को कि यार गोश्त लग रहा है उबला हुआ है, बस तो प्रॉपर जायका यखनी का जायका आ रहा है। अब जरा ये खाया था मसाले वाली, आप थोड़ा कम स्पाइसी खाते हो ना? जी जी बस सर, मैंने कभी कभार ये खा लेते मिक्स भी कर लेते। हाँ मैं जरा मैंने स्पाइसी बनवाई है जरा माजरा था। वाकई बहुत आला आउटस्टैंडिंग यार, बहुत अच्छी बिरयानी है, दिल खुश हो गया। के कल कुल जो है वो गिनती की जो बिरयानियाँ हैं उनमें से एक अगर कहा जाए भाई, ये आके टक्कर देगी नाजाबाद में ना, क्योंकि आप तो नाजाबाद के रिहायशी हो ना, सकी सन के मज़ा आएगा आपको। हाँ नॉर्थ नाजाबाद का मतलब यकीन माने प्रॉपर तरीके से चावलों का आपको मसाले महसूस होते हैं, जो बिरयानी के मसाले होते हैं वो बहुत बैलेंस है, चटपटी है, लेकिन आपको बताती है कि बिरयानी गई है अंदर, और यही बिरयानी की जीत होती है कि उसकी खुशबू उसका जायका आपको हर निवाने के बाद अपनी तरफ खींचे, आपका पेट ना पेट भर जाए नीयत ना भरे, यही बात है। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो आप बोटी के साथ थोड़ा चख लें भाई जी। ये देखें भाई हरे मसाले आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखें खासतौर पर बिरयानी की जो मुझे पसंद आती है ना बिरयानी भाई, देखें वो आती हरे मसाले वाली, टमाटर हो उसके अंदर, ये सारे हरे मसाले हों, और बिरयानी की जान ही है ये, वैसे भी 300 रुपये की है ये, लेकिन एक बात याद रखिएगा ये प्रॉपर ऑथेंटिक बिरयानी है, ये आपको वो नहीं मिलेगी गोल्डन बिरयानी जिसे कहते हैं हम 150 रुपये में, तो उस लिहाज से कीमत के लिहाज से क्वान्टिटी के लिहाज से बहुत अच्छी है। और भाई जब तक बिरयानी हाथ से ना खाऊं ना तो मज़ा नहीं आता। भाई ने क्या बोला, एक मिनट दिखाएं बोला, एक मिनट अपने आप क्या बोला भाई, घुमा रहा घुमा घुमाओ, भाई ने बोला मज़ा आ गया, क्या बोला भाई आपने? है फुल मज़ा आ गया वीआईपी। भाई देखिए भाई ये डायरेक्ट लाइव फीडबैक आ रहा है आपके पास, वाकई ऐसी है कि फुल वीआईपी मज़ा आ गया। तो भाई अब जरा ये जरा अगर बिरयानी खानी तो हाथ से खाते, जरा मैं जरा आपकी तमीज़ का कर रहा, मेरा मौसम इंसान बैठे मैं बुरा ना लगे, देखिए भाई बिरयानी खाने का यही हाथ से ही खानी है, क्योंकि हाथ में वैसे भी घंटे ही हो जाने ना, क्योंकि आपने जैसे उसको टच करना है बूटी को तोड़ना है। तो भाई इसकी गूगल लोकेशन पिन लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, आप वहाँ से आ सकते हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से एड्रेस समझा दें आप यही एड्रेस बता देता हूँ, आप सरीना मोबाइल मार्केट है, यहाँ पे सतीशन राउंड अबाउट सरीना मोबाइल मार्केट, सरीना मोबाइल मार्केट के साथ में PSO का पंप है, उसी के साथ में आगा होटल है, उसके बाद जो है ये नई शॉप खुली है, और ये अदनान शॉपिंग सेंटर है, इसके नीचे शॉप है। ठीक है भाई, तो आपको लोकेशन पता चल गई, आपने आना है यहाँ पर और ट्राई कर दीजिए, मस्त ट्राई है, क्योंकि मैंने अभी तक नाजाबाद में ऐसी बिरयानी अच्छी नहीं खाई भाई, मेरा दिल खुश हुआ। तो 8-10 किलो की बिरयानी कोरंगिया लैंडिंग में बन गई, तो अब ये नाजाबाद में लेकर आए, नॉर्थ नाजाबाद, मेरा यहाँ का रहायशी नहीं हूँ ना यार, माफ़ कर दीजिएगा, नॉर्थ नाजाबाद भाई। तो अपना ख्याल रखिएगा, मैसेज शेयर कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी।